हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको ये एक सिंगल कलर की डिजाइन बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही छोटी बिनाई है जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकती हैं। चार सिलाइयों में बनने वाली ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको चाहें तो बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन, ब्लाउज, शॉल, मफलर किसी में भी आप इसको यूज कर सकती हैं। और ये डिजाइन 8 सिलाइयों में बनके तैयार हो जाती है। ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है। देखिए, बिल्कुल घनी बिनाई का और बहुत ही कम सिलाइयों में बनने वाली ये डिजाइन है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमको 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए प्लस टू एज स्टिच के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी डिजाइन बनके तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 6 के मल्टीपल से फंदे डाल लिए हैं। 6 × 6 × 6 आप कर लीजिए, फिर +2 कर लीजिए, +2 एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो फर्स्ट रो से चलिए इसको बिनना स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा आप उतार लीजिए, इसको हमको नहीं बिनना है। दूसरा, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में, अब यहां से आप अगर रिपीट पैटर्न देखिए तो ऊन आगे करेंगे, 2 फंदा हम उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, 4 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4। ये देखिए, इसी को अब हमको रिपीट करते जाना है। ऊन आगे करेंगे, 2 उल्टा, ऊन पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, 2 उल्टा, ऊन पीछे, 4 सीधा। ये देखिए, ये हमारी बेसिक डिजाइन की जो पहली लाइन है वो कंप्लीट हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, 6 के मल्टीपल हमको फंदे चाहिए। तो ये देखिए, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन इसमें पड़ चुका है। अब 2 फंदा हमारा जो एक्स्ट्रा है, जो 2 प्लस किया है हमने और +2 एक्स्ट्रा, ये एज स्टिच। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है। सेकेंड रो पूरा हम उल्टा उल्टा बिन के कम्प्लीट करेंगे। पहला फंदा उतार के पूरी सिलाई उल्टा उल्टा हम बिन लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा एज स्टिच है। 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, पहली सिलाई में हमने पहला फंदा उतार के 2 उल्टा बिना था। पहले फंदे को हम डिजाइन के लिए काउंट नहीं करेंगे, तो पहला फंदा हम उतार लेते हैं। अब यहां से देखिए, 1, 2 और ये 3। 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे, ऊन आगे करेंगे और अब देखिए यहां से अब आप डिजाइन काउंट करिए, 2 उल्टा। स्टार्टिंग देख लीजिए, ऊन पहला फंदा उतार के हमने 3 सीधा बिन लिया, ऊन आगे करके 2 उल्टा बिना और अब 1, 2, 3 और ये 4 सीधा। यहां से इसके बाद से हम अपना ये रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये देख लीजिए, 2 उल्टा 4 सीधा, ऊन आगे करेंगे, 2 उल्टा, 4 सीधा, ऊन आगे करेंगे, 2 उल्टा और लास्ट में भी देखिए, जैसे स्टार्टिंग में हमारा 3 सीधा था पहला फंदा उतारने के बाद, तो ये 3 सीधा हो गया हमारा लास्ट का और ये एज स्टिच को हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे। तो ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई।
फोर्थ रो देखिए, पूरा फिर से उल्टा उल्टा पहला फंदा उतार के पूरी सिलाई हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई से कंप्लीट कर लेंगे। तो यही चार सिलाई की हमारी जो डिजाइन है वो रिपीट होगी, तो हमारा एक छोटा सा डिजाइन का पैटर्न बनता चला जाएगा। मैंने 6 के मल्टीपल फंदे लेके 6 + 6 + 6 + 2 + 2 एक्स्ट्रा किया है। टोटल 22 फंदे मैंने रखे हैं अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब देखिए ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया। अब फर्स्ट रो फिर से यहीं से हम रिपीट करेंगे। देखिए कैसे हमने बनाया था, पहला फंदा उतार के ऊन आगे कर लेंगे, दो फंदा उल्टा बिनेंगे, यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा पहले फंदे के बाद से, चार सीधा, ऊन आगे करेंगे, दो उल्टा, ऊन पीछे करेंगे, चार सीधा। ये देखिए ऊन आगे करेंगे, दो उल्टा, चार सीधा, ऊन आगे करेंगे, दो उल्टा और लास्ट का एज स्टिच सीधा। ये देखिए ये बुट्टी हमारी जो है एक बार यहां बनेगी, एक बार यहां बनेगी चौथी सिलाई में। उल्टे तरफ से पूरी सिलाई फिर से उल्टा उल्टा बिन लेंगे, ये देखिए। और अब एक बार फिर से देखिए जो हमारी तीसरी लाइन है, ये अगली हम चार सिलाइयों की डिजाइन रिपीट कर रहे हैं। तो दो सिलाई हमने बना लिया और अब यहां से पहला फंदा हम उतार के तीन सीधा बिनेंगे, ऊन आगे करेंगे। अब देखिए ये हमने चार सिलाई पहले बनाया था दो उल्टा, और अब फिर से यहां पे दो उल्टा और चार सीधा, ये हमारा फिर से रिपीट पैटर्न है यहां से। ये देखिए किनारे के इन चार फंदों को काउंट नहीं करिएगा, इसके बाद से हमारा ये रिपीट पैटर्न है, दो उल्टा चार सीधा, ऊन आगे, दो उल्टा, चार सीधा, ऊन आगे, दो उल्टा, उन पीछे। अब ये देखिए लास्ट में एक दो तीन और ये किनारे के फंदे को हम फिर से सीधा बिन देंगे। तो ये देखिए यही हमारा डिजाइन है मेन, और उल्टी सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो याद रखिएगा इसके लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए +2 + 2 एक्स्ट्रा, तो आपका ये डिजाइन सेट हो जाएगा। ये देखिए यही चार चार सिलाइयां हमारी रिपीट होती जाएंगी, तो बहुत छोटी सी डिजाइन का ये पैटर्न जो है तैयार हो जाएगा। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी प्रोजेक्ट में बनाइए, जेंट्स स्वेटर में भी अच्छा लगेगा, लेडीज कार्डिगन में भी अच्छा लगेगा, और बच्चों के स्वेटर में तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, तब तक के लिए बाय।